अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम एक नए सब्जेक्ट को लेके आए हैं, दैट्स कॉल्ड द हिस्ट्री। हिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर के लिए भी है, जो एसएसबी के लिए भी है, जो यूपीएससी के लिए भी है, जो आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ये सबको मालूम है। और जितने भी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर भी हमें लगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो उन क्वेश्चन को हम साथ साथ लेके चले जाएंगे। और यहां पर यही जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आपको पता है एंशियंट पढ़ते हैं, मेडिवल भी पढ़ते हैं और मॉडर्न, इन सब को हम साथ लेके चले जाएंगे। और जितना भी जो क्वेश्चन मैं वहां पर बोलूंगा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। और यहां तक मैंने यहां पर लिखा भी है बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी है और एसएसबी के लिए है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है। चलो अब हम सीधे बात करते हैं हिस्ट्री। अगर आपको कोई बोलेगा हिस्ट्री क्या होती है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे ख्यालात आएंगे कि ये हिस्ट्री क्या है। कोई बोलेगा, आप में से कोई होगा तो ये बोलेगा, सर ये जो हिस्ट्री, हिज स्टोरी, ये जो हिस्ट्री है ये एक स्टोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सर ये एक स्टोरी की मादंड है। अगर आप में से कोई होगा, किसी बंदे ने पढ़ा होगा, सर इसी को हम, किसी को बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं? इसको हम अकाउंट भी बोल सकते हैं। जैसे आप कभी जाते हो, आप क्या करते हो, आप कहीं पर अकाउंट खोलते हो। जब वो अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट में खाता खोलना जब होगा आपको, तो उसमें आपको अपना नाम, अपना बाप का नाम, माँ का नाम, अपनी जो डिटेल्स देनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। जरा इसकी हिस्ट्री खोलो, कभी कभार होता है ना, जरा इसकी हिस्ट्री खोलो। कभी कभार आप क्या करते हो, आपने पीएचडी किया है, आपने यूजी किया है, आप जाते हो कहीं के लिए जॉब ढूंढने के लिए, तो वहां पर आप क्या करते हो, आप अपने जो हाजी वो लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? फाइल को लेके जाते हो, उसमें सारा आपका लिखा होता है। उस फाइल हम बोलते हैं, सर जी ये मेरा रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड्स आप चेक कीजिए। तो हिस्ट्री को हम एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, हिस्ट्री को हम बोल सकते एक अकाउंट भी बोल सकते हैं। सर यही जो हिस्ट्री है, हम इसको स्टोरी भी बोल सकते हैं। और यही जो हिस्ट्री है, हम इसको बोल सकते हैं, सर ये क्रॉनिकल है। क्या है? क्रॉनिकल भी है। ठीक है मित्रों, हाँ जी, वो हम क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बोलते हैं। कभी कभार हम कोई अकाउंट बोलते हैं, कभी कभार हम क्या बोलते हैं, सर ये एक नरेशन भी होती है, ये एक नरेशन भी होती है। हम किसी को बोलते हैं, जब आप फलानी जगह गए, जरा बोलो वहां पर क्या हुआ। या कभी कभार आप कोई प्रोसेशन होता है, कोई भी सेरेमनी होती है, जब आप वहां पर जाते हो, वहां पर जाने के बाद आप थिंग्स को ऑब्जर्व करते हो, आप थिंग्स को देखते हो। जब आपको अपने माँ बाप बोलते हैं कि दे बोल बोलो बेटा आपने क्या देखा, तो आप क्या करते हो, आप हिस्ट्री को बयान करते हो। तो इस हिस्ट्री का मतलब है आप नरेट करते हो, तो इसका मतलब है हिस्ट्री को हम बोल सकते हैं ये एक टाइप की नरेशन भी होती है। क्या मित्रों होती है? नरेशन भी होती है, क्योंकि यही जो नरेशन होती है इसको हम बयान करते हैं। क्या करते हैं? बयान करते हैं। कभी कभार आप क्या करते हो, या आपको कोई चीज होती है, फिर आप सपोज में यहां पर मैं आपको बोलूंगा ये पेन है, ठीक है, ये आपके सामने पेन है, मुझे बोलो इसके बारे में। जब आप इसके बारे में बोलोगे तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर जी कमेंट्री कहलाती है, COMMENT कमेंट्री। वो एक टाइप की कमेंट्री होती है, वो एक टाइप की इंटरप्रिटेशन होती है। सर उसको भी हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, एक नरेशन को भी बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड को भी बोल सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई हमसाया, कोई भी बीमार होता है, फिर उसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, आप उसको जरा मुझे इसका रिपोर्ट दिखा, मुझे इसका रिपोर्ट दिखा, तो इसी हिस्ट्री को हम रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपोर्ट। और वो जो रिपोर्ट होता है, उसको जब एक डॉक्टर खोलता है, वो देखता है, हाँ इस पेशेंट को ऐसे 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 प्रॉब्लम है, फेवर है, कॉमन कोल्ड है, कुछ भी है, नॉजिया है, कुछ भी है, तो वो एक रिपोर्ट होता है। तो हिस्ट्री को हम रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, इसी हिस्ट्री को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, इसी हिस्ट्री को हम नरेशन भी बोल सकते हैं, इसी हिस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं, अकाउंट भी बोल सकते हैं। सर इसी हिस्ट्री को हम क्रॉनिकल भी बोल सकते हैं, इसी हिस्ट्री को हम कमेंट्री भी बोल सकते हैं, इसी हिस्ट्री को हम स्टोरी भी बोल सकते हैं, वो स्टोरी जिसको आप बयान करते हो। हां सर जी, ये देखिए फिर से हिस्ट्री क्या दिखता है, जब ये HISTORY सर आप बोलते हो, मैंने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, वेरी वेरी शकीला, यू आर गुड इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड हिस्ट्री। या ये जो हिस्ट्री है, कौन सा वर्ड दिखता है सर? सर ये हमें दिखता है, क्या दिखता है, ये इंग्लिश वर्ड। क्या है? इंग्लिश वर्ड है।
क्या लेटिन दिखता है? ना जीना। क्या ग्रीक दिखता है? ना जीना। क्या पर्शियन दिखता है? ना जीना। यही जो हिस्ट्री है ये सब इंग्लिश वर्ड है, और यही जो इंग्लिश वर्ड है इसको ड्राइव किया गया है। ये जो इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री है सर, इसको ड्राइव किया गया है, इसको लिया गया। ड्राइव करना क्या होता है, यानी कि किसी जब कोई चीज होता है कोई बड़ी क्वांटिटी में, फिर उसको हम ड्राइव निकालते हैं, उसी को बोलता है ड्राइवेशन। क्या बोलते हैं? किसी को किसी चीज से निकालना, दैट इज कॉल्ड द ड्राइवेशन। हम बोलते हैं सर हिस्ट्री क्या है, इंग्लिश वर्ड है, कोई लेटिन नहीं है। इसको हमने डिराइव किया है एक ग्रीक वर्ड से, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। हमेशा बोलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान साथ साथ बोलता है तो इंसान सीखता है, वो दिल से सीखता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर परवाजे ताकत रखती है। इसीलिए सर जी आपने बोला ये जो इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, इसको निकाला गया है ग्रीक वर्ड से। किससे निकाला गया है? ग्रीक वर्ड। और वो जो ग्रीक वर्ड है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। क्या बोलते हैं? या हिस्टोरिया। ये सर हिस्टोरिया से निकला है। किससे निकला है? हिस्टोरिया। याद रखना ग्रीक वर्ड से निकला है, क्योंकि यहां पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलिए मित्रों, बोलिए मेरे व्यूअर्स, ये जो वर्ड इंग्लिश है हिस्ट्री, ये किस वर्ड से निकला है? वहां पर आपके पास लेटिन होगा, वहां पर आपको जर्मन होगा, वहां पर आपको फ्रेंच होगा, वहां पर आपको स्पेनिश होगा, वहां पर आपको इटालियन होगा, तो यहां पर ये क्वेश्चन बोला जा सकता है, इंटरव्यू में भी बोला जा सकता है, और हाँ जी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये हिस्टोरिया से निकला है। अगर ये हिस्टोरिया से निकला है तो इसका मतलब क्या है? सर हिस्टोरिया का मतलब होता है, क्या होता है मैं आपसे बोलता हूं, अरे जी मुन्नू मुझे बोलिए, मुन्नू आपके बाप का नाम क्या है, मुन्नू आपके माँ का नाम क्या है, मुन्नू क्या आपके पास गाड़ी है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है? तो मैं क्या करता हूं सर जी, आप तो हमें क्या करते, विचारों से परेशान करते हो, उसी को बोलते हैं हिस्टोरिया, उसी को बोलते हैं इंक्वायरी। क्या बोलते हैं? इंक्वायरी करना। तो कभी कभार मैं इसको बोलूंगा आपका नाम, इसको बोलूं तुम्हारा नाम क्या, तो आप क्या करते हो सर, इंक्वायरी करते हो। क्या करते हो? तो हिस्ट्री को बोलेंगे हम इंक्वायरी। क्या बोलेंगे? जब हम इंक्वायरी करते हैं, जब हम किसी को इंटरोगेट करते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या, कहां रहते हो, कहां से आए, वर्क प्लेस क्या, मैरिड टू है, नॉन मैरिड टू है, स्टेटस क्या, तो वो मैं पूछता हूं। यहां मैं कहूंगा सर इतना ही नहीं, नॉलेज हिस्ट्री जो है एक ऐसी नॉलेज है। क्या है? एक ऐसी नॉलेज है सर। कौन सी नॉलेज है? वो नॉलेज जो एक इंसान एक्वायर करता है, जो एक इंसान हासिल करता है। कैसे हासिल करता है? नॉलेज जो हम गेन करते हैं, इंक्वायरी, या हम बोलते हैं नॉलेज बोलते हैं, या हम गेन करते हैं, हासिल करते हैं, या हम बोलेंगे गेन के बदले हम एक्वायर भी बोल सकते हैं, नॉलेज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है हासिल करना। सर ये एक ऐसी नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं। कल को आपको आएगा डिफाइन हिस्ट्री, हाँ आ सकता है, फर्स्ट ईयर में आता है बच्चों। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं अपने हाँ मन को खोल के रखो। ये हिस्टोरिया से निकला है, ग्रीक वर्ड है, असल में यहां पर इंग्लिश वर्ड जो है वो क्या है? हिस्ट्री। और हिस्टोरिया इसका मतलब है इंक्वायरी, किसी को छानबीन करना, तफ्तीश करना, इसको बोलते हैं उर्दू में। या वो नॉलेज, वो इल्म, हाँ जो हम एक्वायर करते, हासिल करते हैं। कैसे करते हैं जी? हाँ जी सर, हम क्या करते हैं? एक्वायर नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, क्या करते हो? यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। जब तक ना आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करोगे, थोड़ी ऐसे चलता है। अगर कोई कहेगा आपको फलानी जगह ऐसे हुआ था, हिस्ट्री वाले बोलेंगे ना जी कैसे हुआ था, हमें अकाउंट्स दीजिए, हमें वहां पर एविडेंस दीजिए, हमें वहां पर कौन सा वहां पर को क्या था, कोई है सबूत वहां पे, क्या कोई ऐसा मटेरियल गैन है, क्या कोई कोई इंस्क्रिप्शन है, क्या कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, क्या कोई पोइट्री है, क्या कोई पोट्रीज है, क्या कोई नेकलेस है, क्या कोई मेटल है। हाँ जी मित्र, वहीं पर पहुंचेंगे। दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ोगे तो दिल मिलेगा, दिल से नहीं पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठन क्या मिलेगा। इसको बोलते हैं इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर थ्रू इन्वेस्टिगेशन। सर इसका मतलब है जो नॉलेज हम हासिल करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज को, हम देखते हैं पूरी तरह, ऐसे नहीं होता हवा में हिस्ट्री होती है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिया। तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है हिस्टोरिया, जिसका मतलब है तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, या करना वो नॉलेज जो एक्वायर होती है, अगर एक्वायर समझ ना आए, जो गेन हम करते हैं, जो हम हासिल करते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेशन से। कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसे समझ ना आए
और एक थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बोलूंगा, लिटरल डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। क्या बोलूंगी? हिस्ट्री। हाँ जी मित्रों, क्या इतना ही होता है? ना जी ना जी, हिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत तरीकों से, ठीक है। आपको कहीं पर अप्रोच होना है, आप पानी को वाटर भी पढ़ सकते हैं, पानी को पानी भी बोल सकते हैं, पानी को जल भी बोल सकते हैं, पानी को इलिक्सर ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद आया? हाँ जी हाँ। और उसको हम कश्मीर में भूमि भी बोल सकते हैं या पूर्ण बोल सकते हैं। हाँ याद आ गया, यस आ गया। तो हम बोल सकते हैं सर ये जो हिस्ट्री है इट इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। सर ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें एक सिक्वेंस होती है, यानी कि क्रोनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट आता है तो टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। पहले कौन सा चीज होगा, फिर कौन सा होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। और वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जो इवेंट्स होते हैं, यहां पर रखो, यहां पर रख, याद रखो, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड है तो टाइम के साथ साथ कोई भी रिकॉर्ड हैपन होता है, कोई भी इवेंट हैपन होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या चल रहा है मित्रों, जून चल रहा है, टाइम बता रहा हूं। जून चल रहा है तो कौन सा ईयर चल रहा है? हाँ जी 2022 चल रहा है मित्रों, याद रखो। अगर बोलेंगे तो क्या है, इसको लंबा खींचेंगे, एक सेंचुरी चल रही है, एक डिकेड चल रहा है, ठीक है। फिर मिलियन ईयर्स, ऐसे क्वार्टर नहीं, टेरिशरी, वो सारा हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं कहता हूं हिस्ट्री क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, वो इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं भूमि हर कोई इवेंट चलेगा। सिग्निफिकेंट वो इवेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है। इसके सच इज दोस अफेक्टिंग ए नेशन, जो इवेंट जो एक नेशन को असर डालता है। याद आ गया? हाँ मुझे याद आ रहा, हिटलर। हाँ वो नाथसिसिज्म के बारे में, जब उसने वो हिटलर पार्टी जो तो राइज ऑफ हिटलर हो गया, उसकी जो गवर्नमेंट जब आ गई तो लोगों को जिनोसाइड किया गया, उन विचारों को अब मारा गया, कुछ ऐसे वैसे किया गया। तो वो हम देखते हैं अगर ये इवेंट हुआ, ठीक है, ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, गवर्नमेंट यानी उसका क्या इफेक्ट पड़ गया लोगों पर और गवर्नमेंट पर, समझ आ रहा है? उसी को बोलते हैं ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इवेंट। आपको कौन लग रहा है इंपॉर्टेंट इवेंट है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इफेक्ट पड़ गया, इसीलिए पढ़ते हैं या कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर हम पढ़ते हैं consequences of, यानी कि effect aftermath of the world war। वही मैं कहता हूं मित्रों, it's a chronological record of significant events such as, वो events जिनको include किया जा सकता है, affecting होता है असर करना, nation पर असर करना, got it। हमारे गांधी जी जो थे तो उसकी जो policy थी non violence, उसका क्या impact पड़ा अफ्रीका में और हमारे हिंदुस्तान। नेल्सन मंडेला जो था, उसका जो ideology उसकी जो थी, उस का क्या इंपैक्ट पड़ गया उसके देश में और जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज, उन पर क्या असर पड़ गया, ठीक है। जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या असर पड़ गया, ठीक है, G17 जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, नेशन पर या कोई इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है। जो ये क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ऑफन इंक्लूडिंग एंड एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये कैसे दिखता है, आप बोलते हो सर जी ये व्हाइट दिखता है, मैं कहता हूं एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो उसी को हम बोलते हैं, जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हो आप एक इवेंट लिखते हो, आप एक किसी चीज के बारे में लिखते हो, किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हो, और किसी प्रॉपर टाइम में, टेम्पोरल में, टेम्पोरल एक्सिस में, एक लूप में आप क्या करते हो, इसको इन्वेस्टिगेट करते हो, तो उसको भी हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज, ये ऐसे क्यों है, क्यों हुआ, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, राइज ऑफ नाथसिज्म क्यों हुआ, कम्युनिज्म क्यों हुआ, इफेक्ट क्या पड़ गया, तो उसको भी हम मित्रों बोल सकते हैं हिस्ट्री। क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री। बाकी हम आगे आगे आपको वो सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, बाकी कुछ नहीं।